We are finalizing the consensus candidates all over for all the phases. तो अभी 2:30 बजे मिलेंगे दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में, तो उसमें हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत एक यूनाइटेड शेप में पूरी अलायंस सामने आएगी और फैसला ये है कि एक भी सीट बीजेपी के हाथ में नहीं दी जाएगी. दैट विल बी इनफ आंसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट द पीपल ऑफ कश्मीर वांट. क्या सीट शेयरिंग के हवाले से कोई बात? इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे किसी को एक सीट मिले किसी को 50 मिले, देयर इज नो इश्यू ऑन दैट मैटर. इट विल बी अ कंसेंसस जॉइंट कैंडिडेट्स, एवरीबॉडी विल फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आवर राइट्स टोटली. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. थैंक यू सर. प्लीज अब चलिए, अब गेट हमें गेट ब्लॉक मत दीजिए. इसके बारे में बताइए. देखिए, हमने मीटिंग आज सुबह को 11 बजे के करीब शुरू की, अभी नमाज का टाइम है, इसके लिए हम नमाज के लिए जा रहे हैं. 2:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे नवाज सुबह में और कोशिश करेंगे जितने भी वैली के ज़िला हैं उनका सारी सीटों का जो है फैसला करके एक जो है एक ही लिस्ट हम इजरा करें, क्योंकि कल जब पहले फेज़ का हमने लिस्ट इशू किया, आप में जो वैसे कुछ साथियों ने उस पर ये तनकीद की थी कि शायद एक ही जमात के उसमें ज़्यादातर सीटें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. उसी का हमने आज जो जायज़ा लिया, तो हम मुकम्मल तौर पे सारे 10 ज़िलों का फैसला करके आपको इतला दे देंगे. कांग्रेस भी पार्ट है इस? बिल्कुल, कांग्रेस पार्ट है DDC इलेक्शन की भी और गुपकार अलायंस की. जब वो भी इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे? हाँ, वो बिल्कुल हमारे साथ. अभी तक कांग्रेस की कोई सीट शेयर नहीं, जो लिस्ट आउट हो उसमें कांग्रेस का? वो आज पहली दफ़ा शामिल हुए हैं, इस फेज के आगे जितनी भी होंगी वो शामिल होंगे. थैंक यू. डिस्कशन हो गया, हेल्दी डिस्कशन हो गया, ऑल पार्टीज डिस्कस इट नाइसली. और कांग्रेस पार्ट ले रहा है? पार्ट ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा? अभी तक जो लिस्ट है उसमें कांग्रेस का नाम है क्या? नहीं, हम उसमें लेट हो गए थे, उस वो सॉर्ट आउट हो